हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों यहां पे मेरे पास जेपी वेल्ड है। ये मतलब बहुत ही स्ट्रांग एडहेसिव होता है, मतलब वर्ल्ड में इससे ज़्यादा स्ट्रांग आपको शायद ही कुछ मिलेगा। और ये एक तरह से कही कि वेल्डिंग का मुकाबला कर लेता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5020 PSI, इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होता है, इतना ज़्यादा ये प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है, टूटता नहीं है। एक बार अगर आप लगा दिए तो ये वेल्डिंग के इतना पावरफुल होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और मैंने बहुत बार यूज़ किया है इसको, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे मैंने इसे प्रॉपरली लगाया है वहाँ पे ये टूट गया हो या कोई धोखा दे दिया हो। अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये होंडा एक्टिवा है, और यहाँ पे देखिए ये जो एक आपको प्लेट दिख रहा होगा यहीं पे बॉडी अटैच्ड होता है। देखिए ये देखिए, वहाँ पे इसका बॉडी रखा हुआ है और वो जो बॉडी है यहाँ पे अटैच होता है। ये देखिए कि यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, तो ये वाला तो वेल्डिंग सही है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये टूट गया है। यहाँ पे इसका वेल्डिंग आप देख सकते हैं टूट गया है। अब मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि भैया होंडा वालों ने कैसा वेल्डिंग किया कि ये टूट गया। अब यहाँ पे मैं वेल्डिंग कर सकता हूँ, बट मेरे पास मिग वेल्डिंग मशीन नहीं है, मेरे पास आर्क वेल्डिंग मशीन है। अब अगर यहाँ पे मैं वेल्डिंग करता भी हूँ तो यहाँ पे पूरा पेंट ये सब उड़ जाएगा, प्लस मुझे टैंक रिमूव करना पड़ेगा, ये सब पैनल रिमूव करना पड़ेगा। और जहाँ पे आप वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर डिसकलर हो जाता है, मेटल वीक हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं जेबी वेल्ड का यहाँ पे यूज़ करूँ और देखते हैं कि भैया ये इसको चिपका पाता है कि नहीं। और चिपका तो देगा नो डाउट, बट ये कितने दिन चलता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि इसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और फ्यूचर में अगर ये टूटा तो मैं आपको बताऊँगा, और अगर नहीं टूटा वो भी बताऊँगा एक दो साल के बाद कि भैया ये कैसा काम किया। तो एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जेबी वेल्ड और मैं इसको निकाल लेता हूँ। दो रहता है इसमें, जैसे एरल्डाइट ये सब का होता है, एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें भी होता है। ये देखिए, इसे अच्छे से, थोड़ा कॉस्टली होता है ये, लेकिन दोस्तों आपको लगा कि ये कॉस्टली है, बट इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो कॉस्ट के हिसाब से इसका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मिक्स करूँगा इसे। ये देखिए 50-50% इसमें लेना है। ये देखिए, और दोस्तों ये जो आप परचेज करें तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल वाला परचेज करना है। मार्केट में बहुत सारा जेबी वेल्ड का डुप्लीकेट भी आता है, तो आपको केयरफुल रहना है। ये देखिए, एकदम प्यार से इसको लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए, और देखेंगे हम लोग कि कितना ये स्ट्रांग बॉन्डिंग बना पाता है। तो दोस्तों मैंने इसे प्लेस कर दिया है बहुत ही अच्छे से, और कल देखेंगे हम लोग कि इसमें कितना स्ट्रेंथ आता है, कितना ये स्ट्रांग होता है। और अभी तो ये नहीं टूटेगा, बट 6 महीना 1 साल के बाद मैं बताऊंगा कि ये रहा या टूट गया। ये देखिए, तो अभी तो कलर भी मैच कर रहा है, यहाँ पे ग्रे ग्रे बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कल कैसा ये एक्ट करता है। तो दोस्तों अभी अराउंड 16 आवर्स हो चुका है, और यहाँ पे जो हमने मिक्स किया था पहले, मैंने इसी को देखा, तो ये देखिए ये आपका पूरा ड्राई हो गया है। और ये देखिए बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड ये कंपाउंड है, अगर मैं कितना भी इसे तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये टूटने वाला नहीं है। ये देखिए बहुत ही हार्ड कंपाउंड है ये। ये देखिए, अगर मैं इससे भी इसको हटाऊं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से तो ये हट गया,
क्योंकि कॉटन था, लेकिन जो भी है स्ट्रांग है ये, ये देखिए। और JBWelt का मैंने नाम बहुत सुना है, बहुत बार मैंने यूज़ भी किया है, तो परफॉर्म तो अच्छा किया है, बट कभी भी मैंने इसमें मतलब इसका डिस्ट्रक्शन टेस्ट मैंने नहीं किया है, कभी भी लॉन्ग टर्म में मैंने नहीं देखा है। मतलब ऐसा जगह मैंने अप्लाई किया था जहाँ पे स्ट्रेंथ मैटर नहीं करता था उतना, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ मैटर करेगा। ये देखिए, अगर मैं इसको उखाड़ूँ तो ये उखड़ ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है, कितना मैं भी इसमें एनर्जी लगाऊं तो ये उखड़ नहीं रहा है। ये देखें, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे ये वेल्डेड है, इसको जितना स्ट्रांग मैं फील कर रहा हूँ उतना स्ट्रांग ये भी है, बहुत अच्छे से चिपक गया है, बट इतना काफ़ी नहीं होगा। अभी तो ये सही है, बट जब इस पर बॉडी माउंट होगा, इस पर लोग बैठेंगे, ये राइड होगा इसके साथ, उसके बाद जर्क आएगा, तब इसका अल्टीमेट टेस्ट आएगा कि ये कितना स्ट्रांग होता है JBWelt। अगर ये टूट गया, अभी तो ये नहीं टूटेगा हाथ से, बट जब मैं इसे यूज़ करूँगा और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर मैं आपको बताऊँगा कि भैया ये टूटा कि नहीं। और अगर सपोज पहले ही टूट गया 2-3 दिन के अंदर, तब तो मैं और जल्दी आपको बता दूँगा। और ये जो है टेस्टिंग यहीं पर नहीं रुकेगा, यहाँ पे जो JBWelt है इसमें मेटल, वुड, प्लास्टिक, टाइल, PVC, सीरामिक, फाइबर ग्लास, कॉन्क्रीट, सब में आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि जिसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसे और भी जगह पे यूज़ करके देखेंगे, प्लास्टिक में, उसके बाद एक मारुति जेन है उसका इंजन ही फटा हुआ है, वहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, तो उसमें भी यूज़ करके देखेंगे। और एक बार मैं आपको बताऊँगा 6 मंथ 1 ईयर के बाद कि भाई ये काम कैसा करता है, क्या क्या मैंने इसे चिपकाया था, क्या क्या इसमें सक्सेसफुल रहा और क्या क्या फिर से डैमेज हो गया, ये आपको मैं बताऊंगा। तो एट प्रेजेंट ये सही लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, JBWelt को हमने टेस्ट किया कि कितना इसका स्ट्रेंथ होता है। तो एट प्रेजेंट अभी तक तो सही लग रहा है, फ्यूचर में पता नहीं। तो दोस्तों अगर आपका भी कुछ ऐसा चिपकाना है, कुछ डैमेज हो गया है, और मैंने एरल्डाइट ये सब यूज़ किया बट वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, अगर एरल्डाइट से अगर मैं इसे चिपकाता और अगर ज़ोर से मैं खींचता जितना जोर मैं अभी लगा रहा हूँ तो वो हाथ में बाहर आ जाता है, उतना अच्छा उसका स्ट्रेंथ नहीं होता है। बट ये 16 आवर में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे क्लेम भी बहुत अच्छा है, ये देखिए 5020 PSI, 5020 PSI का इसका स्ट्रेंथ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको भी अगर कुछ इस तरह का चिपकाना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आप भी इसको यूज़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या कभी आपने इसको यूज़ किया है तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही डुप्लीकेट भी आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको ओरिजिनल परचेज़ करना है, पैकिंग आपका सही होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, जहाँ से भी आप परचेज़ कीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट आप परचेज़ किए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देखें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप देख पाएंगे। लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।